तो भैया कैसे दोस्तों, आप सब दोस्तों, मैं आया हूं चांद चौक के मार्केट में। ये मेरा भाई है, तो आज इसको कैमरा लेना था चांद चौक से। इसने मुझसे कहा कि भाई चांद चौक में ना 5000 का कैमरा आता है, तो मैं जरा सोचूं कि इसको दिखाऊं 5000 का कैमरा कैसा है। ये वजह से मेरा ना, बाकी मैं कैमरा 5000 रुपए ये इसने वीडियो देखी कि भाई 5000 रुपए में इसको 200D मिल रहा है कैमरा। तो मैंने कहा भाई 200D कैमरा 5000 रुपए में कैसे मिल सकता है। तो यार मैं इसको लिया है चांदनी चौक की मार्केट में, तो उसका काफी मन है कि कैमरा लेने का, तो उसको मैं 5000 का कैमरा दिखाऊंगा। तू लेगा बाकी में कैमरा या नहीं? हाँ सोचूंगा। कैमरा लेना है, कौन सा लेना है कैमरा? मेरे को दोबारा पता नहीं कौन सा कैमरा कौन सा यार, जैसे चेंज करते रहो तो उसके अकॉर्डिंग जैसे और रेंज है ना। कौन सा कैमरा लेना? 8000 से स्टार्टिंग, मिनिमम 8000 से स्टार्टिंग ना भाई। दिखाना कैमरा, एक ही दिखा दो ऐसे कोई पीस। 8000 रुपये वाला कैमरा निकॉन का, ये है D40। लिप स्क्रीन वाले भी तो होंगे ना आप पे? लिप स्क्रीन वाले भी हैं, सब है ना, सब मिल जाएगा। क्या रेट पड़ेगा भाई साहब इसका? मिनिमम नॉर्मल है, चालू है क्लिक तक। हाँ देख ले, कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है, देख रहा है क्या है। मुझे इसका वो मिल जाएगा लेंस, एक और नया 50mm का लेंस मिल जाएगा, 50mm मिल जाएगा। क्या रेट पड़ेगा? 50mm मिल जाएगा, 6000। नया पुराना? अच्छा सबसे मेन चीज क्या, लेंस होता है इनके? लेंस भी होता है और कैमरा ही मेन है भाई, कैमरा ही मेन है भाई। तो देखा आप ना कोई और कैमरा दिखा दो। पिक्सल, पिक्सल्स का पिक्सल अभी 6 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन देखो। हाँ नहीं, लोग सोचे नहीं, एक पिक्सल्स भी आते ना ऐसे, पिक्सल आते हैं 18 मेगापिक्सल हो गया आपका, 14 हो गया, 10 हो गया, वैसे ही 6 मेगापिक्सल है। बड़ी से बड़ी फोटो बना सकते हैं, फटेगा नहीं। इसे थोड़ा शोर दिखा दो, ये थोड़ा वीडियो देखता है यूट्यूब पे, इसको उसने देखा कि 200D कैमरा मिला था इसको 5-6 हज़ार रुपये का। तो 200D कैमरा इसने देखा था 5-6 हज़ार। सही बताओ, आ रहा है उसने कहा बंदे झूठ बोलते हैं यहाँ पे आके। हाँ भाई अंकित, तूने सही सुना था ना भाई? सही सुना तूने, है ना, सही सुना ना। देखो इसको 700D इसको आया पसंद, दिखाइयो लो कार्ड भाई। दिखा दे कुछ, कैसा लग रहा है? जो बात होनी चाहिए वो चीज़ बात। बेस का फिर मतलब क्या है, बैकअप वैकअप क्या है इसका? बैटरी बैकअप पूछ, बैटरी 400-500 फोटो। तो भाई अंकित, तो भाई मैंने क्या कहा था कि भाई YouTube पे जो बंदे वीडियो डालते हैं ना 4-5 हज़ार रुपये का कैमरा, भाई बंदे झूठ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर सच्चाई कुछ अलग है, इसकी सच्चाई मैं दिखा रही हूँ, अभी और कैमरा दिखाता हूँ। कोई बढ़िया लग रहा है? निकाल के तो देख लिया, तुम पूछ रहे नहीं निकाल ये वाला निकल भाई, यार निकालना भाई, एक बार 3000 निकाल लो भैया। वाईफाई अकॉर्डिंग है सर, इसको क्या प्राइस क्या है भाई इसका? भाई छोटे बच्चे वाले कैमरे नहीं है ये, हाई प्रोफेशनल कैमरा है भाई साहब। इसका क्या रेट, कुछ चीज नहीं होती इसका, क्या रेट पड़ेगा इसका? भाई कोटा इसमें भाई साहब 18000 रुपये का 3000D क्रोप हो गया, क्रोप है वो भी सिंपल। अभी क्या हुआ बोला, वो क्रोप बॉडी है शायद, हम में प्रोफेशनल कैमरा मैन देखो तेरी फोकस तो ऐसे कर रहा है। फुल फ्रेम के जो मार्क 4 आया है 2 लाख रुपए का, क्यों आया? बॉडी बॉडी कहाँ है सोनी भाई? सोनी का क्या, सोनी की रीसेल वैल्यू नहीं है, रीसेल वैल्यू नहीं है सोनी की, निकॉन की ज़्यादा। कैनन निकॉन ज़्यादा चलता है, बाकी हमारे घर कैमरे की जो चलती वारंटी होती है, दबने की पानी मारने की नहीं होती।
वो तो सबको पता है पानी में वो डैडी में बढ़ साल की आप गारंटी दोगे मतलब कोई भी कैमरा लूँ कोई भी परचेस करूँ तो भाई साहब एक ऐसा ही बात पूछी थी जो बहुत से बंदे आते हैं हमारी तरह वो आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा प्राइस कम बताना है थोड़ा सा कैमरों का प्राइस कम बताना पड़ता है बंदे आते जो वीडियो बनाने के लिए हम वो डालते नहीं लेकिन हम जो बताते हैं एग्जैक्ट बताते हैं मतलब 8000 से स्टार्टिंग 8000 से अब ये नहीं है कि आपका कि कम बता दिया हो ज़्यादा बाकी रेट अपडेट भी ये नहीं कि जो मैंने 8000 बोला तो 8000 हो तो मतलब वो बंदे झूठ बोलते हैं पूरा वो बंदे झूठ बोलते हैं ऐसा होता है कि स्टार्टिंग आप 5000 रुपये कोई 4000 रुपये गलत है वो DSLR होता है DSLR नहीं DSLR होता है DSLR की स्टार्टिंग 8000 रुपये से बाकी रेट अपडेट भी होता रहता है ज़्यादा कम होता रहता है दोस्तों खाली उन लोगों को लेता जो YouTube पे फेक वीडियो बना रहे हैं जो कह रहे हैं 5000 रुपये 2000 रुपये में कैमरा मिल जाता है तो भाइयों प्लीज़ यार YouTube पे ऐसा बकलोलपन मत करो जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको बुद्धू मत बनाओ ठीक है ये कोई 2-3 हज़ार रुपये की आइटम नहीं है जो खरीद सकता है कोई इंसान काफ़ी महंगे आइटम है और बाकी एक बात दोस्तों ज़रूर कहूँगा प्लीज़ यार चाइनीज़ शॉप में जाके अगर आप कैमरा खरीदना चाहते हो भी ऐसे बुरे से कैमरे जो कि दोस्तों सबसे गलत बात दोस्तों वहाँ पे ये है कि किसी से पूछोगे ना कि ये कैमरा कितने साल पुराना हो गया भाई 1-2 महीने पुराना हद से एक महीने या फिर 1 साल पुराना कोई ये कहेगा कि भाई किसी ने यूज़ नहीं करा तो भाई कैमरा किसी ने यूज़ नहीं करा उसकी शक्ल देखना कैमरे की कितनी बुरी शक्ल हो जाती है और दोस्तों उनके पास ना ही कोई बिल होगा ना ही कोई डब्बा होगा और दोस्तों एक बात और अगर वहाँ से दोस्तों आप कैमरा खरीद लेते हो ना सपोज़ कीजिए अगर आपने वहाँ से कैमरा खरीदा अगर आप बाहर गए और कैमरा में कुछ दिक्कत होने लगी तो वो लोग ये भी नहीं कहेंगे हाँ ये कैमरा तुमने मेरे यहाँ से लिया है इतने बड़े दोस्तों पे फ्रॉड लोग रहते हैं सही बता रहा हूँ वहाँ पे तो दोस्तों अगर आपको कैमरा खरीदना किससे जो लोग आपको बिल दे रहे हैं वहाँ पे उनसे खरीदना दोस्तों कैमरा बाकी किसी से मत खरीदना कैमरा क्योंकि यार फेक आइटम मत खरीदो और एक ही दोस्तों और आप खुद भी समझदार हो दोस्तों अगर कोई कैमरा आपको सस्ते भाव में मिल रहा है तो यार प्लीज़ चेक करो गूगल पे वो कैमरा कब रिलीज़ हुआ था दोस्तों ये जो कैमरा है मेरा जिससे मैंने वीडियो बनाई दोस्तों वो था 200D वो 2017 में आया था और एक दुकानदार पे मैंने पता किया था वो कह रहा था भाई ये कैमरा मिल जाएगा करीब 30,000 रुपये का और ये कैमरा मेरे को पड़ा था 38,000 रुपीज़ का ठीक है तो मैंने कहा कोई इसका बिल मिल मिलेगा तो उन्होंने कहा बिल नहीं मिलने वाला आपको इसका तो यार ये बताओ मैं 30,000 रुपये दे के 200D खरीद रहा हूँ मुझे विदाउट बिल या तो मैं पागल बनूंगा तो या कुछ नहीं बन पाऊंगा या तो मैं अपने पैसों को बर्बाद कर दूंगा तो मैं खुद आप भी लगाइए दोस्तों अगर कोई कैमरा सस्ते में मिल रहा है क्यों मिल रहा है कुछ तो कमी होगी कैमरे में दोस्तों प्लीज़ यार आपको वो चीज़ दोस्तों बचना है दोस्तों फ्रॉड काम से आपको बचना है दोस्तों पैसे दोस्तों किसी पर फालतू नहीं है तो कैमरा खरीदते हुए दोस्तों एक चीज़ का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें अगर आप कोई एक्सेसरीज ले रहे हो वहाँ से नया कैमरा दोस्तों आपने खरीदा तो प्लीज़ बैटरी ज़रूर चेक करें ओरिजिनल है या नहीं है कोई कार्ड ज़रूर चेक करें दोस्तों स्कैम कहाँ होता है बता दूँ लेंस में स्कैम हो सकता है क्योंकि लेंस भी ख़राब दे देते हैं थोड़े से क्लीन करके आपको लेंस मिल जाएंगे बाकी जो एक्सेसरीज होती है जो आगे जो लगता है इस तरह की दोस्तों चीज़ होती है कवर्स वगैरह इस पर भी दोस्तों पैसे कमा देते हैं पूरे कम से कम दोस्तों ये आपको आइटम मिलेगी कम से कम 200 रुपये की दोस्तों ये आइटम है ठीक है इस पर वो पैसे कमा लेते हैं वो ये सब चीज़ भी नहीं देते आपको बेल्ट वगैरह कुछ आइटम नहीं देंगे आपको तो मैं आपको एक बात दोस्तों ज़रूर कहूँगा प्लीज़ यार वहाँ पर भूल से भी बेवकूफ मत बनिए अपने पैसों को बर्बाद ना ही कीजिए तो बाकी यार आज का ये व्लॉग इतना ही था दोस्तों क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने व्लॉग बनाया था क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना है बाकी और दोस्तों आपको इंस्टाग्राम दोस्तों ज़रूर फॉलो करना है अगर दोस्तों अगर कोई मेरे साथ दोस्तों कोलैब करना चाहता है मेरे चैनल के थ्रू तो आप ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों कोई तरह की वो नहीं है दिक्कत यार हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है कि आपको मना कर सकें ठीक है क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि यार सब एक साथ काम करें और सब आगे बढ़े यही हमारी मुहिम है यार तो प्लीज़ यार दोस्तों आज का वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो धन्यवाद